नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। अपन बातें कर रहे हैं फ्रिक्शन की। अच्छा, लास्ट टाइम हम बातें कर रहे थे कि अगर किसी जगह ऐसा हो कि टेंशन और फ्रिक्शन दोनों आने की पॉसिबिलिटी हो तो वहां पे फ्रिक्शन पहले आता है। ये बहुत आसान सी बात हमने कर ली थी। देन उसके बाद कुछ कुछ सवाल कर रहे थे, वहीं से खेला को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल लेते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपन। एक सवाल लेते हैं, लास्ट टाइम अपन क्या हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक रख रहे थे, है ना? अच्छा चलिए, वैसा ही कुछ लेते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है। ओ हो, एक और उसको धागा से कनेक्ट किया गया है। हाँ जी, और एक और ब्लॉक है। माना कि ये ब्लॉक है 10 kg का। कितने का? 10 kg का। ये वाला कितने का है? ये वाला है 20 kg का। कितने का? 20 kg का। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओ हो, इधर की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया है 120 न्यूटन। कितना? 120 न्यूटन। अच्छा, और इधर की तरफ इसमें फोर्स लगा देते हैं मान लो कि 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। अच्छा, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यहाँ का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो है 90 न्यूटन। और यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, मान लो वो सवाल में आपको दिया जाए कि ये हो सकता है 60 न्यूटन। कितना? 60 न्यूटन। आपको क्या बताना है? आप ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का एक्सलरेशन बताना है, इस धागे का टेंशन बताना है और दोनों पे लगने वाले फ्रिक्शन को बताना है। यानी आपको इन दोनों का एक्सलरेशन, ब्लॉक का टेंशन और इन दोनों पे लगने वाले फ्रिक्शन को बताना है। आप शुरू हो सकते हैं। शुरू हो जाइए भाई साहब। हो। अब अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जाएगा किधर। मैंने कहा 120 बड़ा है। क्या है? 120 बड़ा है। तो देखते हैं कि माना कि लेफ्ट में जा रहा है, माना कि लेफ्ट में जा रहा है। लेट्स अज्यूम दैट सिस्टम इज मूविंग इन लेफ्ट। पहली बार है तो उसे लिख देते हैं अंग्रेजी, बाकी बोल देंगे। ऐसा मान लेते हैं कि सिस्टम लेफ्ट में जा रहा है। मैंने कहा विचार आया भाई, लेफ्ट में जाने का विचार अपने मन में आया, लेफ्ट में जाने वाला। मैंने कहा ले 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 जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा 120। ओह, रोकने वाला? मैंने कहा 100। मैंने कहा और भी कोई रोकने वाला होगा? मैंने कहा यहां पे 90 है रोकने वाला और यहां पे 60 है। हमको तो लगता ही नहीं है कि ये लेफ्ट में जा पाएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि भाई 120 को तो ये बहुत आसानी से रोक लेंगे, 100 ने ही रोक लिया, बचे कुछ 20 को ये लोग नहीं रोक पाएंगे क्या? यहाँ पे फ्रिक्शन 90 है और यहाँ पे 60 है। हमको तो लगता है कि अगर इसको लेफ्ट में जाना है तो यहाँ पे जो फोर्स लगना चाहिए उसको इस 100, 90 और 60 तीनों के सम को और कम करना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स उधर की तरफ आएगा। यानी 100 और आपका हो गया 90 प्लस 60 यानी 150, यानी एटलीस्ट 250 न्यूटन उधर की तरफ फोर्स होगा तभी ये लेफ्ट में जा सकता है। भाई साहब 250 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा तब वो उधर जा सकता है, क्योंकि तब वो क्या करेगा, 100, 90 और 60 अपनी मतलब मैक्सिमम औकात पे लग रहे होंगे, 150 प्लस 100 यानी 250। अच्छा, लेकिन अभी तो 120 है। मैंने कहा अभी उधर जाने वाला नहीं है, तो मेरे मन में आया कि ये वाला विचार तो गलत है, इधर जाने वाला विचार गलत है। तो मन में आया कि भाई उधर जा रहा होगा फिर, तो मैंने कहा इधर मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट द सिस्टम इज मूविंग राइट, इस डायरेक्शन में जा रहा। मैंने कहा राइट में तो जाने का विचार लाना वैसे तो गलत है, क्यों? 100 है खींचने वाला, रोकने वाला 120 हो गया, और जरूरत पड़ी तो ये 90 भी इधर लग सकता है, ये 60 भी इधर लग सकता है, जरूरत पड़ी तो, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोज करेगा किसका, स्लाइडिंग का अपोज करेगा। मैंने कहा इधर तो जा ही नहीं सकता भाई साहब, अगर इधर जाना है तो यहां पे जो ये 100 नहीं है उसकी जगह आपको कितना लगाना पड़ेगा, 120 प्लस 90 प्लस 60 यानी 120 और 90 हो गया आपका 210 और 270 न्यूटन। मिनिमम 270 न्यूटन उधर की तरफ फोर्स होगा तभी ये ब्लॉक भी पूरा सिस्टम जो उधर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, ओहो, तो इसका मतलब ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये रुका हुआ है। मतलब क्या है? रुका हुआ है। अच्छा, अगर मैं आसान कर लूं, मान लो कि इसको आसान कर लूं, मैं यहां बोल दूं कि 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अज्यूम कर लो, एक और सवाल मान लो, पहले इसको कर लेते हैं। मान लो कि ये वाला 300 न्यूटन फोर्स है, 100 नहीं है, क्या है? 300 है। अगर ये 300 होगा, अगर मान मेरा बना लेते हैं, मान लो कि यहां कर लेते हैं, ये वाला ब्लॉक आपका 10 kg, ये वाला आपका हो गया है 20 kg और यहां पे फोर्स लग रहा है
300 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम हो रहा है वो आपका 90 है और यहाँ पे लिमिटिंग वही है यानी कि मैक्सिमम है 60 और इधर क्या लग रहा है 120। अब आप बताइए कि भाई साहब ये सिस्टम किधर जा रहा है। आप बोलोगे साहब लेफ्ट में, पहले भी जा रहा है लेफ्ट में, फिर कैंसिल हो गया, फिर मैंने सोचा कि राइट में जा रहा है, मैंने सोचा फिर क्या अगर राइट में जा रहा है तो ये 120 इसका अपोज करेगा, ये 90 भी इसका अपोज करेगा, ये 60 भी अपोज करेगा, लेकिन क्या फिर भी ये जाएगा। मैंने कहा हाँ चाहिए, टेंशन जो होगी वो इंटरनल फोर्स हो जाएगी अगर आप इन दोनों को सिस्टम लेंगे तो। ओहो हो, तो आपका जो 120 प्लस 90 है ये हो गया 210 और ये हो गया है 60 यानी कि 270 रोकने वाला है लेफ्ट में राइट में जाने से, लेकिन खींचने वाला कौन है 300 है, क्या 300 जीत जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो क्या सिस्टम की एक्सेलरेशन आ जाएगी 300 माइनस 120 प्लस 90 प्लस 60, क्योंकि ये चलेगा इसलिए हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले ली है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 300। तो ये हो गया आपका 210 प्लस 60 यानी 270 यानी कि ये आ गया है आपका 30 डिवाइडेड बाय टोटल जो है आपका वेट हो गया, मतलब जो 10 प्लस 20 यानी 30 केजी। ओहो 30 डिवाइडेड बाय 30 यानी ये कार्यक्रम उधर की तरफ जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैंने कहा ओ अब बताइए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उधर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन बताइए, माना कि ये ए है और ये बी है, सब कुछ बता सकते हैं। मैं अगर ध्यान से देखूं तो इस वाले पे फ्रिक्शन तो इधर की तरफ लग रहा होगा 90। काइको भाई साहब की इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस पे इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है 120 न्यूटन और इसको उधर ये खींच के लेके कौन जा रहा है, तो बोलेगा टेंशन भाई साहब है कि नहीं यार, टेंशन जो है यहाँ पे टेंशन होगी। कोई बोले टेंशन बताइए तो आपका जवाब होगा टेंशन माइनस ये हो गया आपका 210 यानी 210 मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू 1 एक्सेलरेशन, तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। यहां से इसको ले जाइए 220 न्यूटन, क्या होगी टेंशन 220 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो तो इस पे 220 न्यूटन इधर लग रही होगी, 220 प्लस आपका हो गया है 220 प्लस 60 यानी 280 को इसमें से घटाएंगे तो बचे 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी वाले पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी, बी वाले का अगर एफबीडी बनाओगे तो बी वाले पे इधर की तरफ लग रहा होगा 300, इधर क्या लग रही होगी टेंशन 220 न्यूटन। अच्छा और फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा 60 इधर की तरफ। ये तो बड़ा आसान था कब, जब ये मूव कर रहा था, हमने पहले राइट में सोचा फिर लेफ्ट में सोचा और वो लेफ्ट में मूव कर गया 300 था, लेकिन इस वाले सवाल में जब आप 100 रख रहे थे तब ये मूव ही नहीं कर रहा है। अब आपसे पूछा तो मूव नहीं कर रहा तो एक बार की गारंटी है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 आएगा भाई साहब, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तो आ गई। क्या मैं अभी भी बता सकता हूं टेंशन 0 होगी क्या, मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है। क्या इसमें फ्रिक्शन 0 होगी, मैंने कहा नहीं। तो हमें अभी भी पता करना है टेंशन और फ्रिक्शन यहां पे कितनी लग रही है, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन 0 है। अब भाई साहब मेरे लिए ये पता करना, मुझे ये पता लग गया कि ये रुका हुआ है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि लेट्स अज्यूम दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन 10 kg, किस पे 10 kg, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। कहां पे लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसा मैंने मान लिया कि कहां लग रही है वो 10 kg पे। अगर 10 kg पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है तो भाई साहब ये आपका 10 kg का ब्लॉक हो गया, इधर की तरफ इसको खींच रहा होगा कौन, टेंशन खींच रहा होगा, और इधर की तरफ कौन खींच रहा है इसको 120 न्यूटन, और इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी, कितनी है मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो है आपकी 90, तो इधर की तरफ 90 लगा दीजिए भाई साहब, है ना। अच्छा और अगर ये हमें बताया कि ये रेस्ट में, ये कहां पे है, ये रेस्ट में, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, मतलब ये इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो दर्जी बात है फ्रिक्शन को उधर ही लगना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इससे एक बात की गारंटी हो गई कि टेंशन की वैल्यू है 30 न्यूटन, तभी ये, अगर टेंशन की वैल्यू 30 न्यूटन हुई तभी ये वाला ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। 90 प्लस 30 हो गया आपका 120 ने 120 की बत्तियां गुल कर दी। ओहो यहां से पता लगा कि टेंशन है 30 न्यूटन, ये तो मैंने अज्यूम किया, लाला जो अज्यूम किया वो सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा टेंशन आ गई 30 न्यूटन, हमने बोला बी पे भी चेक कर लेते हैं, बी भी रेस्ट में होना चाहिए, उसकी एक्सेलरेशन भी 0 होनी चाहिए,
मैंने कहा अगर टेंशन 30 न्यूटन है तो इस वाले पे यानी बी वाले पे यानी 20 केजी वाले पे 30 न्यूटन का टेंशन इधर लग रहा होगा। मैंने कहा और बहुत बढ़िया भाई साहब, और उस पे लग क्या रहा है, इधर लग रहा है 100 न्यूटन। क्या लग रहा है? 100 न्यूटन। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ओ हो, और ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर मतलब रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो इधर की तरफ फ्रिक्शन को लगना चाहिए 100-30 यानी 70, यानी कि 70 न्यूटन। कितना कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए? 70 न्यूटन। फिर मैंने आंखें फाड़ के उधर की तरफ देखा, अरे यहाँ तो मैक्सिमम 60 है, अरे यहाँ तो मैक्सिमम 60 है, अरे सब 60 मैक्सिमम है तो 70 लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो फिर तो रेस्ट में रहेगा ही नहीं, ये रेस्ट में रहने वाला नहीं है, क्योंकि 60 इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, जो कि यहाँ पे 60 हो, 70 इज मैक्सिमम देन मतलब ग्रेटर देन 60। तो इसका मतलब ये है कि ये जो असम्पशन था हमारा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 केसी पे लग रही है, ये वाली बात गलत है। 10 केसी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रही, क्योंकि उस वाली कंडीशन में बी वाला तो रेस्ट पे है ही नहीं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बी वाला तो रेस्ट पे है, बी वाला अगर रेस्ट पे है तो उस पर मतलब जो है हमारा जो असम्पशन है कि ए वाले पे जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन माना है, ए वाले पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन माना है वो बात गलत है। अगर ए वाले पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है तो फिर बचा कौन भाई साहब? बी ही बचा। आइए मानते हैं बी पे, लेट्स अज्यूम दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन बी ब्लॉक। बी ब्लॉक बी कौन सा वाला भाई? 20 केजी वाला। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें 20 केजी वाले को, ये जो है अपना 20 केजी वाला ब्लॉक हो गया, इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा है? आप बोलेंगे 100 न्यूटन। क्या लग रहा है? 100 न्यूटन। अच्छा इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। अच्छा भाई साहब, और इस पे लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि इसका अपोज कर रही है 100 की। इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है और वो मैक्सिमम क्या लग सकती है? वो लग सकती है 60। मैक्सिमम क्या लग सकती है? 60 न्यूटन लग सकती है। बताइए अगर ये रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो है इसकी, तो टेंशन बताइए। तो आप बोलेंगे साहब टेंशन तो आ गई है 40 न्यूटन। टेंशन अगर 40 न्यूटन आ गई तो हमको इस बात की अब टेंशन है कि भाई वो सेकंड वाले में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। ये तो ठीक है कि हमने मान लिया बी वाला की एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लिया और यहाँ पे टेंशन आ गई है आपकी 40 न्यूटन। अच्छा आइए चेक करते हैं कि इस वाली कंडीशन में ए का क्या हाल चाल हो रहा होगा। यहाँ पे ए को बनाते हैं भाई साहब, ए को बनाएंगे जो कि है 10 केजी का। अगर टेंशन है 40 न्यूटन तो इस वाले पे 40 न्यूटन कैसे लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा। अच्छा और इधर इसपे क्या लग रहा है? इधर इसपे लग रहा है 120 न्यूटन। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ओहो, इसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो 120-40 यानी इधर की तरफ फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा 80 न्यूटन। मैंने तुरंत देखा कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है, और मुझे पता लगा कि यार यहाँ तो मैक्सिमम 90 हो सकता है तो 80 हो सकता है। अगर 90 मैक्सिमम हो सकता है तो क्या 80 लग सकता है? नहीं यार, क्योंकि कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है। और कितनी लगती है? जितनी जरूरत होती है उतनी लगती है। तो हमारी जरूरत 80 ही थी, और जो पूरी हो सकती है क्योंकि 80 इज लेस देन 90। तो हमारा दिल गार्डन हो गया। क्यों भाई साहब? क्योंकि हमारी जो बात थी वो सही हो गई है। अच्छा इसका मतलब ये जो हमने माना है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है बी पे, ये बात सत्य है। अच्छा इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि भाई साहब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन की वैल्यू है हमारे लिए 40 न्यूटन यहाँ पे। ओहो, फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन बी, फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन ए कितना लग रहा है? ये लग रहा है 80 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये इधर की तरफ लग रहा होगा। और फ्रिक्शन ऑन बी, फ्रिक्शन ऑन बी जो है वो मैक्सिमम लग रहा होगा 60 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? इधर की तरफ। लोग बोलेंगे साहब मतलब ये तो आपने एक पे लिमिटिंग माना फिर वो फेल हो गया, फिर आपके पास ऑप्शन ही क्या था? आपने सेकंड वाले पे लिमिटिंग मान लिया और कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक पे लिमिटिंग नहीं हो, किसी एक पे कि दोनों पे ही लिमिटिंग नहीं हो, बीच का कुछ लग सकता है? मैंने कहा तू तो सोच के देख, टेंशन आई कब होगी? कोई एक ब्लॉक ने अपनी मैक्सिमम औकात को लगा लिया, मतलब
फिर उसकी थोड़े स्लाइड होने की टेंडेंसी आई, मतलब ऐसे चलने की टेंडेंसी। उसने बोला रुको रुको, मैं नहीं जा रहा। इसने बोला मान लो कि भाई इसने बोला 100 वाले ने, यहाँ पे 100 वाले ने बोला होगा चलो 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 चलो, 20 ने कोशिश किया कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, ये मेरे को सरफेस मना कर रही है। सरफेस ने बोला मैं अपोज करता हूं। लेकिन यहाँ पे अपोज कितना हुआ है आपके लिए, वो 60 तक मैक्सिमम अपोज किया होगा, फिर यहाँ पे टेंशन आ गई होगी। फिर यहाँ पे क्या आ गई होगी, टेंशन आ गई होगी। अच्छा ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि आपको इसी तरह से इस सवाल को करना पड़ेगा किसी एक पे। पहले आप पता करो कि सिस्टम रेस्ट में है कि नहीं है। आपने ये कंफर्म कर दिया कि सिस्टम रेस्ट में है, फिर आपके पास दो ऑप्शन है किसी एक पे। पहले मान लो कि क्या हो कि वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, तो सेकंड वाले पे फिर कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि सेकंड वाले पे जो फ्रिक्शन सॉल्व करके आ रही है क्या वो मैक्सिमम से कम आ रही है, तब तो ठीक है भाई साहब, और अगर उससे ज्यादा आ रही है तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा है, किसी एक वाले पे फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम का क्राइटेरिया जो है उसने पार किया ही होगा, तभी जाके टेंशन मार्केट में आई होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार हो। इस तरह के खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे। आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सबसे पहले है कि भाई सबसे पहले ये पता करो कि क्या दोनों ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है कि नहीं है। अगर वो रेस्ट पे है तो फिर क्या कीजिएगा, किसी एक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लीजिए, सेकंड वाले पे कंडीशन पता कीजिए, अगर फेल हो जाता है तो फिर सेकंड वाले पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लीजिए और फर्स्ट वाले के लिए पता कीजिए। आई बढ़ते एक आध और एग्जाम्पल करेंगे ना तो ये बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल हमको लेना चाहिए ताकि ये जो है इस तरह के सवाल आपको खूब पूछे जाएंगे। इसी आइटम को इंक्लाइन प्लेन पे रख देंगे, ये सेम सवाल इंक्लाइन प्लेन पे भी बनाते हैं, दो तीन सवाल और करते हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए बोर्ड हो गया, चकाचक एक और सवाल बनाते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो। मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पे धरातल पे एक ब्लॉक रखा है, मान लो कि ये हो 20 केजी का, और इसको एक धागा से हमने कनेक्ट कर दिया है। मान लो कि धागा यहाँ पे एक और ब्लॉक से कनेक्टेड है, इसको 20 कर दिया, जिसको कर देते हैं 10 केजी, और यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं कितना 110 न्यूटन, और इसको कितना मान ले, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं 80 न्यूटन। इसको क्या करते हैं 80 न्यूटन। पिछली बार हमने फ्रिक्शन मैक्सिमम दे दिया था, इस बार नहीं देते हैं तो म्यू दे देते हैं हमने। मान लो कि आपको बोले कि यहाँ का म्यू जो है वो 0.5 है, और मान लो कि यहाँ का म्यू भी आपको दिया हुआ 0.5। यहाँ का म्यू मतलब सरफेस और इस वाले ब्लॉक के बीच का, इसको ए बोल दो, ए और सरफेस के बीच का है म्यू 0.5, और सिमिलरली बी और सरफेस के बीच का भी म्यू आपको 0.5 बोला है। आपको क्या बोला है कि ब्लॉक ए एंड बी की एक्सेलरेशन बताएं, धागे में टेंशन बताएं, इन पे लगने वाली फ्रिक्शन बताएं, सब कुछ बताएं, जो जो आप बता सकते हैं वो बताएं। सबसे पहले मेरे दिल में आया कि यार 110 बड़ा है तो इधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए। यार 110 बड़ा भले ही हो लेकिन उधर जाएगा कोई गारंटी नहीं है, 80 रोक नहीं पाएगा अकेला। अगर ये सरफेस स्मूथ होती, क्या होती, स्मूथ होती तो पक्का ये सिस्टम उधर की तरफ कट लिया होता। 110 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 30 कर लीजिए, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। मैंने कहा यहाँ फ्रिक्शन भी रोकने वाला है, ओहो हो, इसमें टेंशन भी हो सकती है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो सकता है वो मैक्स पता कर लेते हैं, यहाँ पे जो मैक्स फ्रिक्शन हो सकता है मैक्स, उसकी वैल्यू आएगी म्यू इंटू एन, यानी म्यू की वैल्यू होगी हाफ और एन की वैल्यू होगी 200। ओहो, यानी कि 100 न्यूटन जो है यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन हो सकता है। वहीं देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, एफ मैक्स, यहाँ पे एफ मैक्स आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 100 जो कि आ जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा, मैंने कहा ये इधर जाने का जो विचार था ना तुम्हारा 110 न्यूटन का, वो पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 80 रोकने वाला है, 100 रोकने वाला है, 50 रोकने वाला है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता उधर जाने के लिए। अच्छा, अगर उधर लेके जाना होता तो मिनिमम यहाँ पे कितना फोर्स लगाए। मैंने कहा भाई साहब 80 और 100 हो गए 180 और 50 जो है आपका, मतलब जो है 180 और 50 तो 230 के आसपास, मतलब 230 आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके वो इधर स्टार्ट होगा। इधर जाने वाला नहीं है। मन में आया कि भाई साहब ये क्या पता इधर चला जाए, इधर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 80 और यहाँ 110 और ये भी दो अपोज कर सकते हैं। अगर उधर जाना होगा तो मिनिमम जो 80 की जगह फोर्स लगाना चाहिए वो है 110 प्लस 100 प्लस 50, इतना मिनिमम फोर्स आप यहाँ पे लगाएंगे तब ये उधर जा सकता है। तो एक बात की गारंटी है कि ना इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इसका मतलब कहाँ है, रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए,
जीरो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताया कि किसी एक पे क्या लगने वाला है, लिमिटिंग लगने वाला है। मैंने मान लिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पे है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन ए। मैंने ए पे मान लिया, माय लाइफ माय रूल्स। अब आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पे 20 है, ये 20 केजी है। ओहो, यहाँ पे लग रहा है 110 न्यूटन, क्या लग रहा है 110 न्यूटन। ओहो, इधर क्या लग रही होगी, मैंने कहा टेंशन लग रही होगी। ओहो, और मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है कितना, 100 लग सकता है लिमिटिंग। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास 110 है और यहाँ 100 है, तो आ गया है 10 न्यूटन। मैंने कहा भाई साहब ये है ए का एफबीडी, आओ बी पे चेक करते हैं, बी के साथ क्या होगा। बी पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास टेंशन आ गई है 10, तो बी पे टेंशन लग रही होगी इधर 10, बी है 10 केजी का। ओहो, इधर क्या लग रही है 80। ओहो, और ये रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो 80 और 10, इसका मतलब फ्रिक्शन इधर की तरफ क्या लगनी चाहिए 70। अरे ये क्या हुआ, ये तो 50 न्यूटन से ज्यादा है। मैंने कहा यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकती है, 50 हो सकती है, तो हमारा जो ये विचारधारा थी लिमिटिंग ऑन ए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये मानना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ए पे नहीं लग रही, कहां लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन बी। बी पे मानते हैं भाई, आइए टाइम पास करते हैं, देखिए जरा ध्यान से 10, इधर क्या लग रहा है 80 लग रहा है। अच्छा इधर क्या लगेगा भाई साहब, टेंशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, कितनी लग सकती है, मैंने कहा मैक्सिमम लग सकती है आपके लिए 50 भाई साहब, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई है 30 न्यूटन, क्योंकि ये 30 प्लस 50 आपके 80 का अपोज कर लेंगे। ओहो, टेंशन आ गई है 30। मैंने कहा ए का एफबीडी बनाते हैं भाई साहब, 20 केजी का ये जो ब्लॉक है ए, 20 वाले पे टेंशन इधर की तरफ लग रही होगी 30, इधर खींचने वाला फोर्स क्या है, कितने वाला फोर्स है 110। ओहो, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन इधर की तरफ लगना चाहिए, फ्रिक्शन ऑन ए, जो कि होगा 110 माइनस 30, यानी कि आपके लिए आ गया 80 न्यूटन। कितना आ गया है 80 न्यूटन, फिर अपने कान खड़े होकर देखा इधर, ओहो, मैक्सिमम तो 100 हो सकता है, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन 80 नहीं लग सकता, इनका बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ये 100 से कम है और इस सरफेस पे 100 पॉसिबल है, मतलब ये बात सही है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा, और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टेंशन आपके लिए हो जाएगा 30 न्यूटन, टेंशन क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, फ्रिक्शन ऑन ए फ्रिक्शन ऑन बी आपके लिए जो है वो इधर की तरफ लग रहा होगा कितना, आप बोलेंगे साहब 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन ऑन ए लग रहा होगा इधर की तरफ लग रहा होगा 80 न्यूटन यहाँ पे, और इस पे 50 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन आपके पास आ रही है 30 न्यूटन, दोनों के एक्सेलरेशन क्या होगी 0। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहले आपको इसे दो ऐसे ऐसे रखे हुए है सरफेस पे ब्लॉक, आपको देखना होगा कि क्या दोनों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे जा रहा होगा तो नेट जो है इधर की तरफ वाला फोर्स मतलब खींचने वाला माइनस फ्रिक्शन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एफबीडी बनाओगे तो टेंशन वगैरह मिल जाएगा, इधर जा रहा होगा ऐसा इधर कर दो। लेकिन अगर ये रुके हुए हो रेस्ट में, फिर अपने को एक पे लिमिटिंग मान के सेकंड वाले पे कंडीशन चेक करनी होगी, सेकंड वाले का फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम से कम आ रहा है तभी तो पॉसिबल है, और अगर वहां की मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा आ रहा है तो फिर हमारी जो अजम्पशन है वो ठीक नहीं है। अच्छा एक और सवाल करते, इस बार क्या करते हैं कि ऐसा ही कार्यक्रम को इंक्लाइन प्लेन पे डाल देते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन को मार्केट में लाते हैं, ऐसे ही आइटम को इंक्लाइन प्लेन पे डाल देते हैं। चलिए भाई साहब अगले सवाल पे पढ़ते हैं, धीरे धीरे एक दो सवाल और करेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारे लिए ये बातें। चलिए मेरा दिल भी कितना पागल, चलिए भाई साहब स्पेस हो गया है, हाँ, अब ऐसी वाले आइटम को अपन इंक्लाइन प्लेन पे डाल देते हैं। हेडिंग अगर आप डालना चाहें पुली ब्लॉक सिस्टम इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन,
है कि नहीं यार? सब सवाल है भाई, ऐसा हेडिंग वेडिंग क्या डालना है इन सब का, सवाल ही तो है आपके लिए, कोई मतलब जो है टफ चीज है नहीं। पिछला सवाल समझ में आया तो ये वाला सवाल ऐसे ही कर लो। आइए एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो, ऐसा हो कि ऐसा सरफेस हो गया, शुम ऐसे इंक्लाइन बना दिया अपन ने, ये वाला एंगल आपको दे दिया मैंने 37 डिग्री। कितना दिया? 37 डिग्री। ये वाला एंगल मैंने दे दिया आपको 53 डिग्री। यहां पे एक ब्लॉक रख दिया है, मान लो कि ब्लॉक ए नाम है, और कि कितने केजी का है? 5 केजी का। कितने का? 5 केजी का। और यहां से ये जा रही है पुली के पास। अच्छा, और पुली से डर ये यहां आ रही है, टिकिक 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 टिकिक, ये यहां। और ये वाला ब्लॉक बी है जो कि है 5 केजी का। कितने का? 5 केजी का। अच्छा, और यहां पे मान लीजिए कि म्यू आपको दिया हुआ 0.5, दोनों दोनों जगह जी 0.5 ले लो। इस वाली सरफेस और ब्लॉक के बीच का भी म्यू जी 0.5 है, और ये वाले ब्लॉक और सरफेस के बीच का म्यू भी 0.5 है। और आपसे पूछा है पेन कौन सा चल रहा है भाई, लाल पीला नीला कोई तो चल रहा होगा। आपसे पूछा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताएं, टेंशन बताएं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन बताएं, सब कुछ बताएं, है ना? ये आपका ग्राउंड हो गया है, टिक टिक टिक, और ये फिक्स है। खास बात ये है कि थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको कर दिया हमने फिक्स, यानी ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। ये मूव अगर करने लग गया फिर प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओ हो, हमने देखा भाई, हमने देखा फिक्शन फिक्शन। पहले जब भी सवाल आएगा फिक्शन का, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहले कम से कम पता कर ले कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग कितनी सकती है। ओ हो, यहां पे पता करने के लिए पहले हमको नॉर्मल पता होना चाहिए, तो पहले ये पता कर लेते कि इधर का फोर्स क्या होगा। आप बोलेंगे एमजी साइन थीटा, तो 50 × sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री होगी 3/5, तो ये आ गया है आपके लिए 30 न्यूटन। के कितना आ गया है? 30। तो ये वाला क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये वाला 14 न्यूटन आ जाएगा। यहां पे नॉर्मल क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा 40 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 40 न्यूटन। अच्छा, इधर की तरफ क्या होगा? मैंने कहा इस वाले केस में 50 × sin 53 डिग्री जो कि 4/5 होगा, यानी ये वाला कार्यक्रम हो जाएगा 14 न्यूटन। इधर वाला कंपोनेंट, मैंने कहा इधर वाला कंपोनेंट होगा 30 न्यूटन, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा 30 न्यूटन के बराबर। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो सकता है? यहाँ का एफ लिमिटिंग की बात करें, या एफ मैक्स लिखते हैं उसको, जो कि फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है, वो है आपका 0.5 यानी 1/2 इंटू आपके पास हो रहा है कितना? नॉर्मल 40। नॉर्मल की वैल्यू क्या है? 40 है। यहाँ पे 20 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? 20 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन का। ओहो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें, यहाँ पे इस वाली सरफेस पे अगर एफ मैक्स की बात करूं मैं, तो होगा मेरे लिए 0.5 × नॉर्मल जो कि है 30, जो कि क्या है 30, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? 15 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये और पिछले वाला सवाल सेम था। कैसे? मैंने कहा अगर ये तो आपने ऐसे रखा है ना, मैं इनको ऐसे भी रख सकता हूं, ये 5 केजी, ये 5 केजी, ए बी, यहां का टेंशन जो रहेगा धागा मास लेस है, टेंशन सेम रहेगी, ये टेंशन टी है। ओहो, इधर जो खींचने वाला फोर्स है वो आपका आया है कितना? आया है वो आपका आया है इधर की तरफ 30 न्यूटन। यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है 40 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम आ गया है आपका, एफ मैक्सिमम या लिमिटिंग जिसको बोल सकते हैं यहाँ पर, वो आया है 20 न्यूटन। वो क्या आया है? 20। और यहाँ पे अगर आप एफ मैक्स की बात करें, तो वो आपके पास आ गया है 15 न्यूटन। क्या आ गया है? 15 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। क्या ये इधर जाएगा? क्या ये इधर जाएगा कि क्या रुका रहेगा? मैंने कहा वो तो कौन डिसाइड करेगा। मेरा पहले मन हुआ कि भाई ये इधर जाएगा। किधर जाएगा? इधर जाएगा, मतलब ये लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा तो 40 खींचने वाला है, 30 ने अपोज किया, बचा कुछ 10। और ये लोग बोलेंगे हम तो 20 और 15 है भाई साहब, हम 10 को तो ऐसे ही सल्टा देंगे, ऐसे ही मतलब। तो उधर जाना पॉसिबल नहीं है, उधर जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इस वाले का स्लाइड होके इधर आना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर इधर इसको स्लाइड होके आना है, अगर इसको इधर की तरफ स्लाइड होके इधर आना है, इधर आना है, तो मिनिमम यहाँ पे कितना फोर्स होना चाहिए? ये वाला कंपोनेंट मिनिमम यहां से आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां आप देखें तो 30,
ट्वेंटी 15 इन तीनों के सम के बराबर मान लो ये कि कितना हो गया आपको 30 और 20 हो गए 50, 50 और 15 हो गए 65, ये और ये है 40, ये क्या है 40, तो 25 एटलीस्ट मैं इस पे है ना 25 फोर्स ऐसे एक्सटर्नल लगा दू तभी जस्ट स्टार्ट कर सकता है इधर की तरफ। तो अभी तो है नहीं 25 ऐसे कोई ऐड करके लगाया हुआ, तो उधर जाने का विचार हमारे लिए ठीक नहीं है। ये बोला कि मैं इधर नहीं जा रहा है, तो हमें लगा इधर जा रहा होगा, इधर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 30 रोकने वाला 40 और ये फ्रिक्शन लोग मेरे ऐसे ही घटे हैं क्या? ओहो हो हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कार्यक्रम है रेस्ट है, कहां पे है? रेस्ट पे है। ओहो हो, ना तो इसका मतलब इधर जा रहे हैं और ना ये इधर जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों रुके हुए हैं। इसका मतलब ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर ये इधर या उधर जा रहे होते तब तो बहुत आसान होता, क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ का फोर्स होता, मान लो कि यहाँ 40 नहीं लग रहा होता, यहाँ 100 लगा दिया, मान लो ऐसे इसी सवाल में मान लो ऐसे ही बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स मैंने एक लगा दिया, कितना 60 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इस पे ऐसे ही बोला कि इस पे 60 ऐसे लग रहा है, क्या लग रहा है? 60 ऐसे लग रहा है। एक मिनट, चाहे तो नया सवाल बना सकता है, यहाँ पे 60 लगा के इसके जस्ट पहले वो इजी होता, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 60 हुआ, एक मिनट मैंने 60 पे क्या चल जाएगा 60 और ये 40 हो गया 100 और रोकने वाला होगा 50 और 65, हाँ तो फिर तो पक्का चलेगा भाई साहब, फिर तो पक्का चलेगा। अब जो अगर आप ध्यान से देखें तो खींचने वाला फोर्स है 100, रोकने वाला है 65, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इस वाले केस में? आपके पास हो जाएगी 100 - 65 / 10 यानी कि आपका 35 यानी कि 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाती। एक्सेलरेशन ये होती तो भाई यहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम 15 लग रहा होता है इधर की तरफ और यहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 है तो वो इधर की तरफ लग ही रहा होगा, है कि नहीं यार? अच्छा टेंशन बताओ तो इसका एफबीडी बना दो या इसका बना दो, इसका बना दो, टेंशन माइनस जो है आपका 30 और 20 50 हो गया, टेंशन माइनस 50 इज इक्वल टू 5 × 3.5 है, तो सॉल्व करके क्या मिल गया? टेंशन, वो तो आसान होता अगर ये इधर आया उधर जा रहा होता तब तो आसान है, लेकिन अब ये यहाँ पे 60 हमारे पास है नहीं तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई है? 0। हमें रेस्ट में अब हमको क्या खेलना पड़ेगा? मैंने कहा हमको अभी लिमिटिंग खेलना पड़ेगा। क्या क्या खेलना पड़ेगा? लिमिटिंग खेलना पड़ेगा। मैंने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लग रहा है? मान लेते हैं कि कहां लग रहा है? ए पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन ए, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन ए, ए पे लिमिटिंग लग रहा है भाई साहब, ए पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर ये है आपका 5 kg और इधर आपके पास लग रहा है 30, क्या लग रहा है? 30। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है? मैंने कहा ये हो सकता है भाई साहब 20। तो इसका मतलब टेंशन क्या है? इसका मतलब टेंशन है 10, क्योंकि तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। अगर टेंशन 10 है, आइए चेक करते हैं कि यहाँ पॉसिबल है कि नहीं है। 5 है ये और इधर की तरफ लग रहा है 40, इधर की तरफ टेंशन लग रहा है आपका 10, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए 30। फ्रिक्शन क्या लगना चाहिए? 30। अरे ये क्या, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 15 हो सकता है, इसका मतलब हमारा ये विचार गलत है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ए पे नहीं है। तो कौन से वाले पे होगी? बी वाले पे। अगर बी पे है तो आइए चेक करते हैं, बी वाले पे है तो बी वाले का एफबीडी अपन बना लेते हैं। बी वाले पे अगर आप ध्यान से देखें, बी वाले पे इधर की तरफ क्या लग रहा है? तो आप बोलेंगे साहब लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है। इधर की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो है 15, क्या है? 15। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी भाई साहब? 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 25। ए वाले का एफबीडी बनाते हैं, अब ए वाले का एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन इधर की तरफ यही लगेगी 25। अच्छा टेंशन धागा एक ही है तो सेम होगी ना यार। अच्छा और इधर की तरफ खींचने वाला फोर्स क्या है इस पे? 30 है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना लग रहा होगा? सिंपल बोलेंगे भाई साहब 5 न्यूटन लग रहा होगा। मैंने कहा लग क्या सकता है? मैंने कहा लग सकता है 20। क्या लग सकता है? ये 20। तो क्या ये 20 न्यूटन से कम है? मैंने कहा हाँ ये 20 न्यूटन से कम है। अगर ये 20 से कम है तो फिर हमारा ये अजम्पशन ठीक है। कहां लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन? बी पे लग रहा होगा। तो आपका आंसर होगा बेसिकली कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है? दोनों का 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस धागे में जो टेंशन है वो हमारे पास क्या आ गई है? टेंशन हमारे पास आ गई है 25 न्यूटन, यानी क्या हो रही होगी?
25 न्यूटन टेंशन लग रही होगी। ए वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है, ए वाले ब्लॉक पे यानी इस वाले ब्लॉक पे बहुत ज्यादा रायता जो है, इसको अपन साफ करते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे 50 है इधर की तरफ और टेंशन कितना है 25, यानी इधर 25 लग रहा होगा और फ्रिक्शन लग रहा है 5। कितना लग रहा है 5 है ना, इधर की तरफ 5 लग गया, 25 और 5 हो गए 30, तभी ये रुका हुआ है। इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो खींचने वाला है यहाँ पे 40, क्या है इधर की तरह 40 है, ओहो, और टेंशन क्या आया है 25 आ गया है और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। इसमें कितना लगेगा, मैंने कहा ये देखो कितना आया था यहाँ पे आपके पास, आया था 15 आ गया था ना, 15 अच्छा 15 और 5 हो गए 20 और 20 40, मतलब ये भी रेस्ट पे ही है, नेट फोर्स क्या होगा 0 पे। इस पे फ्रिक्शन आ गया 15 ऐसे अप द इंक्लाइन, 5 अप द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन 0, टेंशन इज 25 न्यूटन। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, ओहो। एक आज सवाल और करते हैं, फिर बहुत हो गया यार, खूब पीएचडी कर दी है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं, इसको सुलटा देते हैं, एक और सवाल करते हैं सिमिलर टाइप का और फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरी वैरायटी के सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए सल्टा दिया सब, एक और देखते हैं, इस बार क्या करें, मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, तो यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया हमने, ब्लॉक मान लीजिए कितने केजी का है, 10 केजी का, और यहां से ऐसे टिक यहाँ पे एक और ब्लॉक रख देते हैं, मान लो कि इसका नाम बी कर दो, इसका नाम ए कर दो, ये वाले को ले लीजिए आप, कितना 5 kg, कितना 5 kg, ये एंगल कर दीजिए 37 degree और ये वाला एंगल है अपने पास 53 degree और ये आइटम है फिक्स्ड, कैसा है फिक्स्ड, और यहाँ पे म्यू आपको दिया हुआ है मान लो 0.3 और यहाँ का म्यू मान लो आपको दिया हुआ है 0.1। शुरू हो जाए भाई साहब बड़ी रफ्तार से, फास्ट कर डालें इसको, पहले वोर्टिसिटी कंपोनेंट पता करें इसके ऊपर, इधर की तरफ आ जाएगा आपके पास 100 यानी एमजी हो गया आपके पास 100 इंटू साइन 37 degree यानी 3/5 यानी 3/5, तो 5 से ये कट गया 20 यानी क्या आ गया है आपके पास 60 newton, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा 100 into 4/5 यानी कि आ जाएगा आपके लिए 80 newton। अगर ये 80 होगा तो नॉर्मल आपके लिए यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा 80 newton के बराबर है कि नहीं, ये नॉर्मल फोर्स है, ऐसा नहीं एन से एन काट लें। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, ओहो, इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा 53 degree यानी कि 4/5 यानी कि यहाँ पे लग रहा होगा 40 newton और यहाँ पे क्या लग रहा होगा 30 newton। यहाँ 30 तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 30 newton के बराबर। आइए पता करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है म्यू इनटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.3 यानी कि 3/10 और नॉर्मल की वैल्यू है 80 newton यानी ये 0 कट गया भाई साहब, आंसर आया है आपका 24 newton। ओहो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है, आप बोलेंगे साहब म्यू इनटू एन और म्यू की वैल्यू है आपके लिए 0.1 यानी 1/10, नॉर्मल की वैल्यू है 30, ओहो, आंसर आ गया है 3 newton। अच्छा मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैंने ऐसा बना दिया, ऐसे एक ब्लॉक है, ऐसे एक ब्लॉक है, यहाँ पे टेंशन है टी, ये वही वाली टेंशन है, पुली मासलेस है, धागा मासलेस है तो टेंशन सेम रहेगी 10 kg और ये 5 kg, इधर खींचने वाला फोर्स अगर देखा जाए तो वो है आपका 60 और जो यहाँ पे मैक्सिमम रोकने वाला फोर्स हो सकता है वो है आपका 24 newton। यहाँ पे अगर देखा जाए तो खींचने वाला फोर्स इधर की तरफ है 40 newton, ओहो, और जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन हो सकता है वो है यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू 3 newton। पहले मेरे मन में आया कि क्या वो इधर जा सकता है, फिर मैंने बोला कि 60 40 घट गया, फिर 24 3 पॉसिबल नहीं है, उधर मैंने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कहाँ पे है, रेस्ट पे है, एट रेस्ट। अब एक ही केस रह गया कि मान लो अपने को क्या मानना होगा, मान लो हमको ये मानना होगा किसी एक पे क्या लग रहा है लिमिटिंग, मैंने ऐसे मान लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन 10 kg, मान लो कि 10 kg पे मान लिया मैंने
10 केजी भी मान लिया तो 10 केजी का बीडी बना दीजिए, 10 केजी इधर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका 60 और यहाँ पे ये लग रहा होगा 24, इधर लग रहा होगा टेंशन, तो टेंशन आ जाएगी 60 माइनस 24, यानी ये आपका आ गया है 10 में से 4 के पीछे बचे 6, 5 में से 36, बहुत शानदार भाई साहब इनकी वैल्यू आ गई आपके लिए 36 न्यूटन। अच्छा हमने बोला ठीक है भाई साहब इस पे चेक कर लेते हैं, 5 केजी पे इधर की तरफ लग रहा है 36, क्या लग रहा है 36 और इधर की तरफ लग रहा है 40, हो फ्रिक्शन की जरूरत है 4 न्यूटन, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। इसका मतलब ये विचार गलत है, इसका मतलब ये विचार गलत है। ओहो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है 5 केजी पे, कौन से वाले पे, 5 केजी पे। अगर 5 केजी पे लग रहा है तो भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो इधर की तरफ हो जाएगा आपके लिए 40, क्या आ जाएगा 40 हो, और इधर की तरफ आपके पास टेंशन आएगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मैक्सिमम फोर्स इसने 3 से किया है। ओहो बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे टेंशन सोल्व करके आ जाएगी आपकी 37 न्यूटन आएगी भाई साहब, क्योंकि 37 + 3 जो है वो 40 का बोझ कर रहे होंगे। अच्छा आओ चेक करते हैं कि ये बातें सही है कि नहीं है। 10 का एफबीडी बनाया, इधर की तरफ टेंशन आ रही है आपके लिए 37 न्यूटन, और इधर खींचने वाला फोर्स क्या है 60 न्यूटन है। अच्छा ओहो 60 में से 37 घटाएंगे तो बच जाता है 23, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या चाहिए 23 न्यूटन। अरे यहाँ पे 23 सही है क्योंकि मैक्सिमम 24 लग सकता है, तो 23 इज लेस देन 24, मतलब ये बात सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन 5 केजी सही है। ओहो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों की 0-0, एक्सेलरेशन क्या है दोनों की 0-0, और टेंशन की वैल्यू क्या है, टेंशन की वैल्यू है 37, टेंशन यहाँ पे 37 न्यूटन, क्या है 37 न्यूटन। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत, और ये जो 10 केजी वाला है इस पे ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइन ऐसे फ्रिक्शन लग रहा होगा, 23 न्यूटन, फिर क्या हुआ होगा, मैंने कहा भाई साहब 7 + 3 हो गए 10 + 1, और 60 को बैलेंस किया, और यहाँ का टेंशन है आपके लिए 37 न्यूटन नीचे की, और फ्रिक्शन आपके लिए आ रहा है, यहाँ इसके ऊपर 3 न्यूटन जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है ऐसा 3 न्यूटन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 37 और 3 आपके लिए मतलब जो है ये 40 हो गया, 40 ने 40 को बैलेंस किया, ठीक कर रहे हैं इसका मतलब, ये क्रॉस वेरीफाई हमने कर दिया। तो बहुत खेला खेल लिए हैं हमने एक ब्लॉक के साथ, अब हमको लग रहा है कि दो दो ब्लॉक की बातें करनी चाहिए, एक ब्लॉक पे एक ब्लॉक और रखते हैं ताकि मजा आए, मतलब खूब एक ब्लॉक वाले सवाल दिए। आगे आप इसको उड़ा दीजिए, पहले अपन इसको मिटाते हैं, हेडिंग डाल दीजिए टू ब्लॉक सिस्टम, मजा आएगा, कुछ और तरह की वैरायटी के सवाल सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, कितना कि भाई साहब फ्रिक्शन क्या किसका अपोज करता है, मोशन का नहीं, किसका अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन का या फिर रिलेटिव मोशन का, मोशन का नहीं भाई साहब, किन दो सरफेस के बीच का, कितने टाइप का होता है। मैंने कहा भाई ये अगर स्टैटिक मतलब दोनों सरफेस कॉन्टेक्ट में हो, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, तब जो लगेगा उसको मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बोला गया है, जो जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, मैक्सिमम लिमिटिंग हो सकता है μ·n के बराबर है, बस nmg होगा क्या, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी होगा, जो भी पॉसिबल वहां पे नॉर्मल आएगा वो होगा। और अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही हो तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगे, कितना होता है, मैंने कहा μ·k·n कर ले, अच्छा म्यू अगर एक ही दिया हो तो वही म्यू स्टैटिक वही म्यू काइनेटिक, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है ना यार, बाकी सब तो सवाल है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट मतलब कितना आसान है, कितना आसान है फ्रिक्शन में, तुम्हें कुछ और पढ़ना रटना या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, उतनी बातें हैं, बाकी सवाल की वैरायटीज है जो तू समझता जा, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तेरे से बुकलेट होगी, जो होमवर्क में सवाल दिया गया है वो अटेम्प्ट कर पाएगा, उसको अच्छे से डील कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए टू ब्लॉक सिस्टम, इसको उड़ा लेते हैं पहले, चलिए भाई साहब हेडिंग डालिए टू ब्लॉक सिस्टम, अच्छे से समझने का, ब्लॉक 2 से 3 भी कर सकता हूं मैं आगे, टू ब्लॉक सिस्टम क्या है भाई साहब, कुछ नहीं, कोई थ्योरी वोरी बताने की नहीं, सीधा सवाल देखते हो बहुत आसानी से हो जाएगा, एक सवाल देखते हैं उसे मजा आ जाए, मतलब धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक धरातल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत बढ़िया भाई साहब, सवाल समझता जा, धीरे धीरे डिफिकल्ट करते, पहला सवाल इजी देते, मान लो कि ये 4 केजी का है, कितने का
4 kg का, इसका नाम अपन अनीता दे देते हैं ए आगरा, उसके ऊपर बी रखा हुआ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बी जो है मान लीजिए कि वो 2 किलो का, कितने का 2 किलो का। यहां पे सरफेस है स्मूथ, कैसी है स्मूथ, एकदम चकाचक स्मूथ, यानी म्यू स्टाइल मार के क्या दिया आपको 0, यहां पे म्यू 0 है। अच्छा म्यू 0 और यहां पे आपको म्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है म्यू 0.5 दिया है। अच्छा और यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं अपन, क्या लगा रहे हैं एक फोर्स, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपसे पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट there is no relative sliding between A and B के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो इस वाले अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताइए उस वाले केस में। तो ये अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब तक कि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही हो। अच्छा ओहो, सोचिएगा। मैंने कहा यार मतलब अगर आप ध्यान से दे सके तो यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है कहां पे, मैंने कहा यहां पे। अच्छा अगर एक ब्लॉक के एक मतलब जो है एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा मैंने, मैंने कहा ठीक है मान लो कि ये मेरा सरफेस हो गया, नीचे वाला सरफेस कबाड़ता हूं मैं, ये रही अपने पास एक सरफेस कबाड़ लिए, इस सरफेस पे क्या हुआ कि ये एक नीचे ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रख दिया है ना। हम क्या कर रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है यहां तो फ्रिक्शन है नहीं ये, और ऊपर वाला ब्लॉक भी आ रहा है ना साथ में भाई, ये वाला जो है आइटम मैं इसको खींच रहा हूं, ऊपर वाला आइटम आ रहा है ना, कौन चला रहा है उसको, कौन चला रहा है, कौन उसको आगे लेके जा रहा है, तो तुरंत बोलेगा इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन है जो ऊपर वाले पे इधर की तरफ लग रही होगी तभी ये चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, और नीचे वाले को, मैंने कहा नीचे वाले को अपन हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं वो चला रहा है। मैंने कहा अच्छा, ये वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, तो तू बोलेगा भाई साहब की 2 kg वाली बात करें तो इसको फ्रिक्शन चला रहा है, कौन चला रहा है फ्रिक्शन चला रहा है, मान लीजिए कि फ्रिक्शन जो है वो एफ लग गया, मान लीजिए उस पे एफ लगा तो ये जो अपना 4 kg वाला है इतना ही एफ क्या इस पे इधर लग जाएगा। मैंने कहा हाँ, ओहो, बाहर से क्या लग रहा है, मैंने कहा एफ लग रहा है नीचे सरफेस से, मैंने कहा 0 काहे को कि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा हमसे बोला है कि फोर्स एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताएं दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो, दोनों के बीच में क्या नहीं हो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले को चला कौन रहा है, तो बोला फ्रिक्शन चला रहा है, कौन चला रहा है फ्रिक्शन चला रहा है। मैंने कहा जैसे जैसे आप ये फोर्स एफ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या इस 4 kg की एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। मैंने कहा हाँ, इसको बड़ा बड़ा कितना कर सकते हैं, मैंने कहा तेरे हाथ में यार 1000, 2000, 20000, 1,00,000 कर ले न्यूटन उतना लगा, उससे उसकी एक्सेलरेशन 4 kg की बढ़ती जाएगी, लेकिन 2 kg को एक्सेलरेट करने वाला कौन है, वो फ्रिक्शन है, वो कौन है फ्रिक्शन है। अच्छा तो मतलब खतरा जो है मतलब इनको एक्सेलरेट करने वाले की एक औकात है। मैंने कहा हाँ क्यों, क्योंकि यहां पे जो फ्रिक्शन हो सकती है सरफेस पे वो जो एफ मैक्सिमम हो सकती है वो होगी म्यू इंटू एन, म्यू आपके पास है 0.5, लाल पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, 1.1/2 यानी 0.5 और नॉर्मल होगा यहाँ पे 20, नॉर्मल क्या हो जाएगा 20। मैंने कहा यार फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, यहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है 10 N, क्या हो सकता है सरफेस पे 10 N। मैंने कहा यार ये 2 किलो वाले ब्लॉक को इधर की तरफ मैक्स क्या लग सकता है, तो बोलेगा 10 N भाई साहब, तो अगर इसमें मैक्सिमम 10 लग सकता है तो एक्सेलरेशन जो है 2 किलो वाले की एक्सेलरेशन ऑफ बी जो मैक्स हो सकती है वो तो मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाई मास यानी कि 5 m/s², यानी कि 2 किलो वाला यानी कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है यानी कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है हमारे लिए यानी कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये वाला इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है 5 m/s² नीचे वाले की। मैंने कहा नीचे वाला तो तेरे हाथ में है यार,
डर खींच के देख, अगर मैं बहुत जोर से खींच लू, बहुत जोर से, तो ये हुआ क्या है कि ये दोनों के बीच बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग बंद हो गई है, ये अलग कट रहा है, रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है। अभी क्या हो रहा है, मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, साथ बरकरार है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं, जैसे देखिए जरा यहां से, तो ये स्लाइड करना शुरू कर देता है, ये सरफेस ज्यादा लंबी नहीं है। अगर मैं बहुत तेजी से इसको खींचूं तो इनके बीच में एक रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। जैसे देखिएगा आप यहां से, रिलेटिव स्लाइडिंग इसलिए हो रही है कि ये पीछे रह जा रहा है ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला आइटम जो है वो पीछे रह जा रहा है, क्योंकि इसको आगे ले जाने वाले की मैक्सिमम औकात फिक्स है, वो तो फ्रिक्शन है, और उसकी मैक्सिमम, इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम इस पर्टिकुलर केस में क्या हो सकती है, 5, इसकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि एफ। लेकिन अगर दोनों को साथ साथ जाना है तो इनकी इनकी टेंशन लेनी पड़ेगी। भाई गरीब आदमी यहां पे कौन है, दो है, दो ने बोला भाई अपन जो है मैक्सिमम एक्सेलरेट हो सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि हमको आप और हमके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन चला रहा है कि नहीं। भगवान का दिया हुआ सिर्फ वही है, आपके ऊपर तो एफ लग रहा है एक्सटर्नल, लेकिन हमको कौन चला रहा है, ये फ्रिक्शन चला रहा है, और वो है 10, और हम मैक्सिमम जो है फॉरवर्ड में आपके साथ चल सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अगर दोनों को साथ चलना है तो फिर 4 kg की भी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, उसकी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है इस पूरे सिस्टम की, इसका मतलब ये है कि भाई साहब ए बी जो है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो है ये आ गई। अगर साथ बरकरार रखना है, फॉर साथ बरकरार, या फिर फॉर नो स्लाइडिंग, आपके पास जो है ए एंड बी एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस बी का सिस्टम जो है, इस सिस्टम की मैक्स क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे साहब ये गवर्न करने वाला यही है, इसने बोला 5 रखो तब तक हम चलें, हम भी आपके साथ चार चलेंगे, वरना फिर हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा अगर आप इन दोनों को सिस्टम ले लेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, ये है 2 kg और ये वाला क्या है 4 kg, और यहां पे क्या लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, कहां पे, ऐसे पे, ये हमने एक सिस्टम ले लिया है, तो इन पे जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन इस पे आगे और इस पे फ्रिक्शन पीछे, वो इंटरनल फोर्स हो गया, कैंसिल आउट हो गए। यहां पे धरती माता कोई फोर्स लगा नहीं रही है, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं। अच्छा ओहो, और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन उधर क्या हो सकती है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए मुझे कि एफ की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है। अरे जब ए मैक्स ले रहे हैं तभी तो एफ मैक्स आएगा। मैंने कहा हाँ, एफ मैक्स की जो वैल्यू हो रही है वो वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी, मास आपका हो गया 6 और एक्सेलरेशन है 5, एक्सेलरेशन क्या है 5 है सिस्टम की। 30 न्यूटन लगा सकते हैं भाई साहब, कितना 30 न्यूटन लगा सकते हैं, 30 point something लगाया तो ए अब पीछे रह जाएगा, बी जो है 4 kg वाला आगे कट लेगा। मैंने कहा अच्छा, अब अगर 30 न्यूटन लगा रहे होंगे तब ए और बी में कितना फ्रिक्शन लग रहा हो। अच्छा इस पर्टिकुलर केस पे जब आप 30 लगा रहे होंगे, जब मान लीजिए एफ मैक्स 30 लगा दिया, तो इस पे लग रहा होगा 30, किस पे 4 वाले पे, यहां पे लग रहा होगा 30, लेकिन इस पे इस वाले केस में मैक्सिमम क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन लग रही होगी, वो फ्रिक्शन होगी 10/2, यानी एक्सेलरेशन आ गया कितना 5। अच्छा और इस पे आगे लग रहा होगा 10, तो पीछे क्या लग रहा होगा 10 लग रहा होगा, और आगे क्या लग रहा है आपका 30, 30 माइनस 10 कितने हुए 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 किया तो एक्सेलरेशन क्या आया 5, जो कि पॉसिबल है। इस वाले केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी। अच्छा मान लीजिए कि इसी सवाल में, आपसे पूछा, ये तो इसका आंसर हो गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी कि आप जीरो इस फोर्स एफ को जीरो से लेके 30 न्यूटन के बीच में कुछ भी लगाओगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी सेम होगा, क्या होगा वो होगा आपका एफ माइनस जीरो, यहां पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, एफ माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए कि इसी सवाल में आपसे बोला होता, मान लीजिए इन द अबो क्वेश्चन, आप नया सवाल लिख सकते हैं, इन द अबो क्वेश्चन इफ द फोर्स एफ इज, यहां पे आपको जीरो दिया हुआ है, इन द अबो क्वेश्चन इफ द फोर्स एफ इज, फर्स्ट लिख लेते हैं एफ, मान लो 18 न्यूटन,
तब आप सब कुछ बताएं। सेकेंड आप लिख लें कि एफ क्या था, मान लीजिए कि था 36 न्यूटन। क्या था? 36 न्यूटन। पहले वाले केस में लिख दें कि मान लो इन द अबो क्वेश्चन इफ द एफ वाज 18 न्यूटन, और सेकेंड में लिख दें कि एफ 36 न्यूटन। अब 18 हुआ, 18 तो भाई साहब जो है 18 आपका क्या है, 18 आपका जो है वो किससे कम है, वो 30 से कम है, वो क्या है 30 न्यूटन से कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, मतलब दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट इज खींचने वाला फोर्स है आपके लिए 18, यानी ये आपका पूरा सिस्टम हो गया है। कितने किलो का, 6 किलो का, ये 2 है, ये 4 है, इधर क्या लग रहा होगा 18, इधर क्या लग रहा होगा 0, नेट खींचने वाला फोर्स हो गया 18 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों की एक्सेलरेशन आ जाएगी। अच्छा, इस वाले केस में क्या फ्रिक्शन ऊपर वाले पे 3 लग रही होगी, मतलब क्या 10 लग रही होगी? मैंने कहा नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, अब आप एपीडी बनाइए 2 का, इसको आगे कौन लेके जा रहा होगा, फ्रिक्शन लेके जा रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी भाई साहब 2 × 3 यानी कि 6 न्यूटन। यही वाला 6 न्यूटन उस 4 केजी वाले पे कैसे लग रहा होगा, ये 4 केजी वाले पे 6 लग रहा होगा, इधर आगे क्या लग रहा है 18, और यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो 18 में से 6 के बचे कितने 12, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अगर सेकंड वाले केस की बात करें, माना कि एफ की वैल्यू है 36 न्यूटन, जो कि आपकी मैक्सिमम औकात जो है 30 वाले की ज्यादा है, मैक्सिमम औकात से ज्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो। और मान लीजिए कि भाई आप इसे, आपको क्या पता लग गया कि एफ इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी अलग अलग होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब अलग अलग होगा तो बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी, बीच में क्या हो रही होगी रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब आपको म्यू ए की दिया हुआ है, तो इस वाले केस में इस पे तो भाई 10 ही लग रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम 10 ही लग सकता है, और म्यू आपका एक ही दिया हुआ है, यानी कि वही म्यू स्टैटिक है और वही काइनेटिक है। इसका मतलब जो ए बी है, बी की एक्सेलरेशन तो भाई साहब क्या हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है, अब वो क्या होगी, तो आप बोलेंगे भाई साहब जो है फ्रिक्शन आपका 10 है, तो इस पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, इधर की तरह 10 लग रहा होगा, और ये है आपका 4 केजी, और यहाँ खींचने वाला फोर्स है 36, और यहाँ पे जो है वो आपका फ्रिक्शन है ही नहीं, तो बचा क्या, आपका नेट फोर्स आ गया है एक्सेलरेशन ऑफ ए के लिए, नेट फोर्स आ गया है 36 − 10 / 4 यानी कि 26 / 4 यानी कि 13/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 5 से ज्यादा है, यानी 6.5 आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने बोला कि भाई अपन तो 5 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, अपना क्या हो सकता है मैक्सिमम 5 हो सकता है। अब आप लोगों की मतलब जो है बड़ी औकात है, आपके ऊपर फोर्स वोर्स लग रहा है, तो आप जाइए आगे, हम उससे ज्यादा आगे चलने वाले नहीं है। अच्छा, ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ओहो, सवाल को थोड़ा सा टफ करते हैं, सवाल को थोड़ा सा अपन अच्छा करते हैं, कैसे कर सकते हैं, अच्छा आप इसको मिटा लेते देते हैं अपन, देखो जरा किस तरह से कर सकते हैं, देखिए जरा कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा टफ, अरे यहाँ कर सकते हैं यार, यहाँ म्यू अपना 0 था, जरूरी है कि म्यू 0 रखें, यहाँ का म्यू ले लीजिए आप 0.1, यहाँ का म्यू क्या ले लीजिए 0.1, सेम सवाल दोबारा लिख डालिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, सवाल यही सवाल है भाई साहब, ओ ये सवाल हो गया, इतना सवाल हो गया भाई साहब, ये आपका सवाल है, ये रहा ब्लॉक ए ब्लॉक बी, म्यू आपको दिए हुए हैं, म्यू एक दिया हुआ है, इसका मतलब वही म्यू है, स्टैटिक है, वही म्यू क्या है काइनेटिक है, थोड़ा डिफिकल्टी लाएंगे तब म्यू अलग कर लेंगे, धीरे धीरे लाते हैं, इतनी कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने को एकदम अच्छे समझना है, धीरे धीरे समझना है, ओहो पता कीजिए, अब हमें समझ में आ गया, हमें इतना पता है कि लफड़ा यार बी का है, लफड़ा सारा बी का है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, ए की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बी की अगर अपन ध्यान से देखें, तो हमने यहाँ का फ्रिक्शन पता किया, यहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम जो हमारे पास आया है वो है भाई साहब, वो है आपके पास 1/2 × 20 यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ का जो फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा, यहाँ का जो फ्रिक्शन मैक्सिमम आएगा वो आपका है 0.1 यानी कि 1/10 × आपके पास यहाँ का नॉर्मल आएगा, यहाँ का नॉर्मल 40 होगा कि 60, सोच के देखिए,
यहाँ का नॉर्मल 60 होगा, 40 नहीं, ऊपर ये 20 भी रखा हुआ है लल्ला, इसका 20 ने ऐसे प्रेस किया होगा, फिर ये 40, यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा अगर ये रुका हुआ है, सिस्टम पूरे के नीचे लग रहा है 60 तो ऊपर की तरफ 60, यानी कि यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं होगी बोले कि नॉर्मल लल्ला 40 है ना, नहीं रे लल्ला, नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में 60, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या आया 6 न्यूटन। अच्छा ओहो, अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए कि अच्छा मान लीजिए, देखिए हमको ऐसा लगता है कि अगर ये 6 है ना भाई साहब, ये 6 से अगर कम हुआ ना 4 से, तो ये हिलेगा ही नहीं, मतलब ये मूव करेगा ही नहीं, क्यों भाई क्यों, सोच के देख कि ये ऐसे 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 आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं जो कि 6 से कम होगा, तो यहाँ तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो अपोज इस पूरे को सिस्टम ले लो आप, तो इस पूरे को ये तो मूव ही नहीं करेगा नीचे वाला, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है 6, तो अगर एफ की वैल्यू 6 या 6 से कम हुई तब तक तो ये भाई साहब जो ए है उनके मूव करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ए अगर मूव नहीं करेगा तो बी अपने आप मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रिक्शन की किसी को स्टार्ट बोलेगा नहीं कि तुम जाओ चलो, अरे यार फ्रिक्शन के किसका अपोज करता है, रिलेटिव स्लाइडिंग का, जब ए मूव ही नहीं कर रहा तो बी को कोई ऐसी चुल नहीं बचेगा, अपन चल लेते हैं फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन किसी को चलाता नहीं है, फ्रिक्शन अगर चलाता तो बैठे बैठे अपन चलने लग जाते बेंच पे, ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करता है, तो एक बात साफ हुई कि चलने के लिए एटलीस्ट जो है अगर एफ की वैल्यू 6 न्यूटन से कम हुई फिर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, ओ हो, अच्छा बढ़िया। अच्छा अब अगर देखें तो लफड़ा तो बी का है, अगर ये चला तो धोखा बी करेगा, क्यों, क्योंकि बी पे जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो जो बी पे मैक्सिमम लग सकता है वो है 10, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी मैक्स जो हो सकती है वो आपकी होगी 10/2, यानी कि 5 m/s² और अगर साथ साथ चलना है फॉर नो रिलेटिव स्लाइडिंग तो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस बी, यानी ये जो सिस्टम है इसकी मैक्स एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, तो आप होने के साथ वो मैक्स भी फिर 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि 5 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो भाई साहब जो है बी बुरा मान जाएंगे, बी यानी कि बी बोलेंगे फिर हमारे बस की बात नहीं है। ओहो, अगर इन दोनों को सिस्टम ले लें अपन, मान लीजिए ये सिस्टम मैंने ले लिया, टिक, ये पूरा एक ही सिस्टम है, तो ये है आपका 2 kg और ये है 4 kg यानी कि 6 kg, और इस वाले केस में अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी तो ये मैक्सिमम यहाँ पे यहाँ से 5 m/s² की रफ्तार एक्सेलरेशन से चल सकता है, और इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स एक्सटर्नल होगा, अगर ये चल सकता है कि ये पूरा लगेगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा 6 लग रहा होगा, है ना, अगर म्यू एक ही दिया है तो वही स्टैटिक है और वही क्या है काइनेटिक है, यानी ये म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू काइनेटिक 0.5। अच्छा यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स आपका एफ लग रहा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम 5 हो सकती है, भी मैक्सिमम 5 होगा, यहाँ का जो फोर्स है फ्रिक्शन इस पे आगे लग रहा होगा, इस पे पीछे लग रहा होगा, वो कट गया होगा, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो गया है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अच्छा अब क्या होना चाहिए, एफ माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास, जो कि हो गया है 6 × 5, यानी कि एफ की वैल्यू आ गई है 36 न्यूटन। क्या आ गई है, 36 न्यूटन। एफ की वैल्यू हमको लगता है कि भाई 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 6 से लेके 36 न्यूटन तक अगर मान लीजिए कि भाई एफ होगा, तब उस वाले केस में ये दोनों साथ में चल रहे होंगे, वो ये क्या क्या चल रहे होंगे, दोनों साथ में चल रहे होंगे, मान लो कि भाई एफ की वैल्यू है, मान लो कि कुछ भी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू मान लो 30 न्यूटन हो गई, एफ की वैल्यू अगर 30 होगी तो 30 - 6 यानी कि 24/6 आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, 24/6 यानी कि 4 m/s² दोनों का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अच्छा लेकिन अगर एफ की वैल्यू 36 से बड़ी हुई, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या होगी। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो अगर इसका यहाँ का कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पे क्या है कंक्लूजन ये है
कंक्लूजन ये है कि भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के यहाँ बात कर लेते हैं, जहाँ पे अच्छे से दिख जाए यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैक्सिमम आ गया आपका 6, मैक्सिमम आपका क्या आ गया यहाँ पे 6 था, यहाँ का आपका एफ मैक्स था 6। अगर अपन बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या है कि अगर एफ की वैल्यू, इफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, बोथ आर स्टेशनरी, कोई भी चलने वाला नहीं है। अच्छा, पिछली बार यहाँ फ्रिक्शन नहीं था तब चल लिया था, तो इस बार जो है फ्रिक्शन आ गया है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। अगर एफ की वैल्यू 6 से बड़ी हो, क्या हो, 6 से बड़ी हो और 36 न्यूटन तक हो, तब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा और वो होगा, माना कि फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ माइनस 6 हो गया नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे और उसकी एक्सेलरेशन ए हो जाएगी इधर की तरफ, क्योंकि एफ माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। एफ की वैल्यू अगर 36 हुई तब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ए की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। अच्छा, और अगर एफ की वैल्यू 36 न्यूटन से ज्यादा हुआ तब भाई साहब दोनों हैं बोथ आर मूविंग सेपरेटली, है ना, बोथ ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, दोनों क्या करेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे और एक्सेलरेशन ऑफ ऊपर वाला कौन था, बी जो है, इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ बी पता करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, इनपे लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम औकात के बराबर लग रहा होगा यानी 10, और इनका मास कितना है, 2 है, तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन ऑफ बी आपके पास आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 है, इधर की तरफ एफ लग रहा होगा, इधर की तरफ अगर इस पे 10 लग रहा है तो यहाँ पे इस पे 10 लगा और ये स्लाइड कर रहा है तो मैक्सिमम लग ही रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए यानी कि नीचे वाला, इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस सोलह डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एफ की वैल्यू कुछ भी डालते रहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए, 36 से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने डाल दी 46, मान लीजिए कि आपने क्या डाल दी, या मान लीजिए आपने डाल दी एफ की वैल्यू 56 घटा देंगे तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा, 40/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसके बस की बात है क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अच्छा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खूबसूरत, ओ हो, अच्छा लगा हमें। अब हम थोड़ा सा और इसमें डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, भी टाइमिंग देख लेते हैं अपने साथ क्या है, थोड़ा सा एक आध सवाल और लिखते हैं, शायद उसको होमवर्क में देते हैं, फिर आज के खेला को यहीं पे स्टॉप मारते हैं। 2 ब्लॉक का ये जो खेला है जस्ट स्टार्ट हुआ है, मजा आना चाहिए, थोड़ा टफ करना होगा, क्या करेंगे बे, म्यू अलग कर देगा, डर मत, ऐसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, अरे म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक अलग कर देगा, डर मत तू, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ही आसान, तू तो अलग 2 ब्लॉक क्या, थोड़ी देर में बोलेगा 3 ब्लॉक भी बहुत आसान है, सब बहुत आसान है जी, फ्रिक्शन में तो कुछ है भी नहीं, मतलब पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं है, जस्ट चीजें आपने समझ ली फिर उसके बाद सवाल ही तो है, हताश परेशान निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए वो तो हो गया अपने पास, एक टफ सवाल बनाते हैं, थोड़ा और टफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और टफ करते हैं। मान लो कि आपको ऐसा पूछे, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक लगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, मान लीजिए ये है 2 kg का, कितने का, 2 kg का, और इसको 5 kg कर देते हैं, और यहां का म्यू आपको दिया हुआ है, म्यू स्टैटिक मान लीजिए दिया हुआ है 0.6 और म्यू काइनेटिक दिया हुआ है 0.5, दोनों अलग अलग, कौन सी वाली सरफेस के लिए, यहां पे इन दोनों ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के बीच के जो है आपको म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दिया है, और यहां का म्यू मान लीजिए आपको दिया हुआ है, म्यू स्टैटिक जो है वो आपको दे दिया, मान लीजिए कि वो आपको दिया हुआ है 0.3, क्या दिया हुआ है 0.3, और म्यू काइनेटिक मान लो आपको दिया हुआ है 0.2। अच्छा, टफ कर दिया भाई साहब, ओहो, और इधर की तरफ मान लीजिए कि इस पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, पेन चल जाओ यार,
पेन चल जाओ। मान लो कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, क्या लग रहा है 60 न्यूटन, कहां लग रहा है, ब्लॉक ए पे लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स 60 न्यूटन, काफी लंबा लगा दिया यार, 60 न्यूटन, इस पे ब्लॉक पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। अच्छा तो आपको समझ में आ गया कि इन दोनों सरफेस के बीच का म्यू क्या है, 0.6 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस वाले पे 60 न्यूटन, नीचे वाली जो सरफेस है उस पे म्यू आपको दिया हुआ है 0.3 म्यू, स्टैटिक म्यू काइनेटिक 0.2। टफ कर दिया भाई साहब, दो ब्लॉक है, फोर्स दे दिया है दोनों सरफेस पे, म्यू भी अलग अलग, म्यू स्टैटिक अलग अलग, म्यू काइनेटिक, इससे तू आराम से कर लेगा मेरा पूरा विश्वास है, अभी कर लेंगे, सोच के देख एक मिनट, पहले तू ये पता लगा कि क्या स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले तू ये तो पता लगे कि क्या मूव करेगा कि नहीं करेगा, सोच के देख 5 और 2 7, हमको लगता है टाइम हो गया है, आपको इसको होमवर्क में देना चाहिए, इसको देना चाहिए होमवर्क में, एकदम मस्त, एकदम ट्राई करने का, मस्त एकदम ट्राई करने का, सब कुछ बताने का कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, दोनों की एक्सेलरेशन क्या है, इतना ही बता सकते हो, दोनों की एक्सेलरेशन बतानी है और दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन कितना और किधर लग रहा है, सोच के देख ये 5 और 2 हो गया है 7, यानी कि यहाँ का नॉर्मल होगा 70 और यहाँ पे मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो है 70 × 3/10 21। ये 21 से तो ज्यादा है, तो मतलब स्टार्ट तो होगा, अब तो सोच के देख कि क्या इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, वो सोच के देख। अच्छा अगर हो रही होगी तो फिर क्या, किसका एक्सेलरेशन क्या है, कौन सी सरफेस पे कितना फ्रिक्शन और किधर लग रहा है, हमको शायद ये सवाल अभी कर लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 1 घंटे का टाइम हो गया है तो 1 घंटे ज्यादा फिर मतलब 4-5 मिनट इधर उधर जाए तो बढ़िया है, फिर 15-20 मिनट इधर उधर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा लोगों को बहुत सारा काम देखना होता है, तो एक दिन ज्यादा बड़ा वीडियो देखना उनके बच की बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इसको देते हैं अपन होमवर्क में, इसी से नेक्स्ट वाली क्लास का खेला शुरू करते हैं, फिर इसके ऊपर एक और केक का लेयर बढ़ा देंगे, 3 ब्लॉक लगाएंगे भाई साहब, फोर्स यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, 2-2 फोर्स लगाएंगे, मजा आ जाएगा, मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, तू जानता है कि फ्रिक्शन तो बहुत ही आसान है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, 2 टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक, स्टैटिक जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, मैक्सिमम म्यू इंटू एन लग सकता है, काइनेटिक जो है म्यू काइनेटिक इंटू एन लगता है, बस कैसे लगते हैं वो भी हमें पता है, डायरेक्शन किधर होती है, हमसे बस बुद्धि को जो है एकदम खोल के रखना है और सारे सवाल हो जाएंगे इस बात की, मतलब जो है गारंटी है, साथ में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो तेरी मेहनत पे और तेरी मतलब समझना अच्छे से समझेगा तो आराम से हो जाएगा। आज की खेला को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप अपनी और अपनी पढ़ाई का खूब ख्याल रखिएगा, देखने सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।